हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हमारा 52nd सेशन है। आज संडे भी है, लॉकडाउन में संडे मंडे पता नहीं चल रहा है। और कल रात को इतना बारिश हुआ और इतना बीज गड़का है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो सारा डाउन है। तो आपको इसी डिम लाइट में ये सेशन अटेंड करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो कल हमने 13वां अध्याय का ऑलमोस्ट सेकेंड वर्स कंप्लीट कर दिया और थर्ड वर्स भी हमने जो है टच करके कंप्लीट किया है। आज हम फोर्थ और फिफ्थ वर्स में एंट्री मारेंगे। और फोर्थ कंप्लीट होगा, फिफ्थ के दो पार्ट्स में से एक पार्ट कंप्लीट होगा और कल फिफ्थ का सेकंड पार्ट कंप्लीट होगा उसी वर्स का एक्सप्लेनेशन। तो इसे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद वाले सेशन में 6 और 7 हम सब लेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि फर्स्ट वर्स में 13.1 में अर्जुन ने 6 सवाल पूछे हैं। ये 13 चैप्टर बहुत क्रिटिकल है। ये जनरली इतना टेक्निकल है कि कभी कभी उसके एक वर्ड के अनेक मीनिंग होने के कारण कभी कभी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो सीक्वेंस में समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं रिवाइज इसलिए करता हूँ। 13.1 में अर्जुन ने पूछा है भगवान को कि भगवान पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। तो जैसा मैंने इसे पहले वाले सेशंस में सब समझाया है आपको, जब आप यूट्यूब पे जाएंगे, दास गदाधर दास नाम का मेरा चैनल है, उसमें मैंने ये सारे लेक्चर्स अपलोड भी किए हैं, तो आप उसमें रिवाइज कर सकते हैं अगर आप नए आए हैं तो। ये 6 सवाल जब पूछे, तो अब ये पुरुष प्रकृति हमारी तरह नहीं, हमारा कॉमन अंडरस्टैंडिंग मत लगाइए। पुरुष यानी एंजॉयर, प्रकृति यानी फील्ड, क्षेत्र यानी ये प्रकृति फील्ड यानी लॉर्ड का फील्ड, क्षेत्र यानी हमारा जो क्षेत्र बॉडी मिला हुआ है या उसे अटैचमेंट जितना है जहां तक हमारा कॉन्शियसनेस फैला है उसको कहते हैं क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ यानी द पर्सन हु नोज द फील्ड। तो दो होते हैं, एक परमात्मा होते हैं, एक जीव होता है। ज्ञान, ज्ञान यानी नॉलेज। व्हाट इज नॉलेज? तो हमने कल तक देखा था कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग समझे वो उसको ज्ञानी कहते हैं। क्षेत्रज्ञ को समझने वाला और भिन्न समझने वाला, और दो क्षेत्रज्ञ हैं वो क्षेत्रज्ञ से ऊपर है ये समझने वाले को ज्ञान कहते हैं। फिर उसके बाद ज्ञेय, ज्ञेय यानी जो जानने योग्य है वो, तो वो हम बाद में चर्चा करेंगे जब अगले वर्सेस आएंगे। तो आइए हम 13.4 में स्टडी करते हैं। तो 13वें अध्याय का 4था श्लोक है, उसमें कहते हैं तत्क्षेत्रम यद यद यच्च यादृक् च यद विकार यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासे न मे शृणु। अभी भगवान ही बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण जो हैं अर्जुन को बता रहे हैं कि अभी तक तो मैंने तुमको ये बताया ना कि दो क्षेत्रज्ञ हैं। कल हमने देखा था कि ईश्वर हैं, कल का थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ इनकेस कोई नया आया था तो। जीव है और प्रकृति है। प्रकृति यानी मटीरियल क्रिएशन इन समम बोलम। तो ईश्वर जीव जो है वो इच्छा करता है प्रकृति में, प्रकृति का कंट्रोल ईश्वर के पास होता है, देखते हैं ओके है तो जीव की इच्छा पूरी करते हैं प्रकृति के माध्यम से। तो ये साइकिल हमने देखा। तो ये क्षेत्रज्ञ टू थे कल हमने जो स्टडी किया, ये भी क्षेत्रज्ञ हैं क्योंकि ये सारे क्षेत्रों को जानते हैं। और ये क्षेत्रज्ञ वन जो हैं ये अपने ही क्षेत्र को जानते हैं जितना इनको मिला हुआ है, और ये क्षेत्र जो है प्रकृति से मिलता है आपके कर्म के अनुसार। ये हमने कल चर्चा किया था कल के सेशन में। तो अब भगवान इसको कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है। अभी अभी ये जो कर्म क्षेत्र है इसका, ये जो क्षेत्र है इसके कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। कर्म यानी अब यहां पे रिएक्शन की बात नहीं हो रही है, कर्म क्षेत्र यानी जो उसको कर्म से फल स्वरूप मिला है उस कार्य के क्षेत्र को भी कर्म क्षेत्र कहा गया है। वो क्या है, यह किस प्रकार बना है, उसके इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। तो ये सारे क्या क्या बताए मैं आपको नोट डाउन करके देता हूं ताकि आपको बहुत हेल्प होगा। ये बहुत सारे चीजें हैं जो आपको काम आएंगे, ठीक है। उसमें वो कह रहे हैं मैं आपको क्षेत्र बताऊंगा, मैं आपको यत्च शब्द है, ठीक है। हमने वो एक्चुअली यत्च करिएगा यत्च हो जाएगा,
उसको कहते हैं कंपोनेंट्स, यानी उसके जो अंदर के वस्तु हैं वो मैं आपको बताऊंगा। क्षेत्र यानी फील्ड यानी बॉडी या शरीर, ठीक है, ये जो शरीर है उसके अंदर जो वो जो क्षेत्र है उसके कंपोनेंट्स क्या है वो बताऊंगा। फिर आप वो वर्स में देखेंगे लिखा है यद विकारी, विकार यानी आप समझते हैं, विकार यानी जो बदलाव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो चीज है यहां पे, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मैं लिख देता हूं यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो फील्ड है वो बदलता है। जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से फिर बूढ़े होते हैं, बूढ़े के बाद मृत्यु होता है, तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसको कहते हैं यादृच्छ यतहा, यथा में पर्पज ऑफ अपियरेंस, ये क्यों आया। कई बार कल हमको एक भक्त ने पूछा, एक कमेंट्स में एक डिवोटी ने पूछा कि प्रभु ये क्या जीव जो है वो अनादिकाल से यहां है और वो यहीं रहेगा, या वो कहीं और था फिर यहां आया फिर चला जाएगा। तो ये जो है एक्चुअली ये सोच मैंने मेरे काल चैप्टर में बताया था आपको कि काल के प्रभाव से जीव ऐसा सोचता भी है, अन्यथा ही सोचने का बात ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अभी शरीर में है, फॉर एग्जाम्पल आप 100 साल जीने वाले हैं, लेकिन आज रोज रात को सोते हैं और आप सपना देखते हैं, और सपना देखने के बाद आप वो चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, जो ऐसे कुछ इमेजिन चीज है वो देखते हैं, थोड़ा देर उसमें डरते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, और फिर आप खुल जाता है, वो खत्म हो जाता है, वापिस आप सोते हैं, वापिस नया सपना आता है। तो वैसे एक्चुअली वो जो सपना है वो एक मेंटल स्फीयर है, वो इमेजिनरी स्फीयर है। वैसे ही थोड़ा पीछे जाएंगे तो मटेरियल प्रकृति जो है ये भी एक स्फीयर है, तो एक्चुअली वो इमेजिनरी ही है, एक तरह से ड्रीम है, ठीक है। तो यतः पर्पज, इसका इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ ये क्यों है, ये क्षेत्र क्या क्यों रखा गया है, इसका पर्पज ऑफ अपियरेंस, ऑफ अपियरेंस यानी उसके प्राकट्य का कारण क्या है, ये भी आप तुम मुझसे समझो। भगवान ये सब बताने वाले हैं। फिर वो बताएंगे स्वरूप यत, यतः यत, ये यत अलग है। ये सब नॉर्मल में ही तोड़ने में इतना डिफिकल्ट है, सोचिए अगर कोई खुद से समझने का प्रयास करे तो कितना मुश्किल है। स्वरूप, ठीक है, स्वरूप यानी उसका अपना ओरिजिनल फॉर्म। और यहां पे दो वर्ड आते हैं स और च, मेरे हिसाब से अगर दिख रहा है, मैं देख रहा हूं थोड़ा, ठीक है, स और च दिखाई दे रहे कैमरे में। तो ये जो है स यानी जीव, च च यानी क्षेत्रज्ञ टू यानी परमात्मा। तो जीव यानी मैं जीव लिख देता हूं यहां पे, जीव और परमात्मा यानी लॉर्ड, ये दोनों भी पुरुष हैं। ये क्या हैं, पुरुष, लेकिन जीव जो है उस पुरुष को एनर्जी के फॉर्म में देखता है, शक्ति के रूप में देखता है, तो वो भगवान बताएंगे। और यहां पे ये एक्चुअली एनर्जी के बजाय ये एक्चुअली अपने पुरुष के रूप में ही देखता है, ठीक है, अपने फॉर्म में रूप में देखता है, ये पुरुष फॉर्म में आता है। कई बार लोग उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं और ये कंक्लूड करते हैं कि भगवान फॉर्मलेस, अभी मैं आपको तैतरे उपनिषद से प्रूव करके दूंगा, और इसलिए अगले श्लोक में भगवान इसका जवाब देने वाले हैं। अगला श्लोक तो और भी मतलब अमेजिंग है, ठीक है। और इसके बाद और एक वर्ड है जो मैं यहां लिखूंगा तो शायद नहीं दिखेगा, तो मैं उसको यहां लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि अगर वहां लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा। उसको कहते हैं यत प्रभाव, ये तो नॉर्मल लाइक किसी भी व्यक्ति को मालूम होता है, यत प्रभाव का मतलब होता है उसका इन्फ्लुएंस एंड एनर्जीज, इसके शक्तियां, ये जो फॉर्म्स हैं, तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, उनकी शक्तियां हैं। तो बेसिकली वर्स में यत तत् कहा गया है, तो उसका कारण है कि अष्टाध्यायी जो ग्रामर रूल है तो उसमें आता है कि अगर तीन कैरेक्टर्स आ जाएं, लाइक यहां अनेक कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो उसको यत तत् कह सकते हैं, ये अष्टाध्यायी ग्रामर है।
तो ये पूरा श्लोक है। तो एक बार हम इस श्लोक को वापिस पढ़ेंगे तो आपको समझेगा कि भगवान एक्चुअली क्या कह रहे हैं। तो सुनिए ध्यान से अब आपको समझेगा। आप लोग अपना अपना गीता खोल सकते हैं, भगवद गीता यथारूप अगर आपके पास है तो, नहीं तो ऑनलाइन भी आप खोल सकते हैं। तत्क्षेत्रम, तत्क्षेत्रम मतलब तत् किसका, वो जो जीव है उसका क्षेत्र, तत्क्षेत्रम। और तत् में दो आएंगे, इसका भी क्षेत्र आएगा, जीव का भी और भगवान का भी क्षेत्र है। भगवान का क्षेत्र अनलिमिटेड है। तत्क्षेत्रम यच्च, मतलब यच्च यानी उसके कंपोनेंट्स, उसके साथ उसके कंपोनेंट्स क्या है मैं आपको बताऊंगा। हाँ, या इधर लिखा है कर्म क्षेत्र क्या है मैं बताऊंगा, वो किस प्रकार बना है वो मैं बताऊंगा आपको। इसमें कंपोनेंट्स, इसमें क्या परिवर्तन है, यद विकारी ट्रांसफॉर्मेशन। यतश्च, यतः मैं उसके बारे में बताऊंगा, पर्पज ऑफ अपीयरेंस, वो कैसे आया, कहां से उत्पन्न होता है। इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, यतः स्वरूप, इसको जानने वाला कौन है, सच। हाँ, तो वो कह रहे हैं ये कौन है मैं बताऊंगा। फिर सच यो, सच यानी इन दोनों के बारे में बताऊंगा। यत प्रभावश्च यानी और उनकी शक्तियां, इसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। तो अब ये पूरा 13 अध्याय जो है वो 6 सवाल, उसी 6 सवालों में इधर आने वाले इनको ऐसा डाइवर्ट कर दिया है, क्षेत्र से ही इसको ले आया है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से पुरुष प्रकृति का भाव इसमें आने वाला है। तो कुछ करीबन मेरे हिसाब से 13वां श्लोक, 10, 11, 8 से 12, तो 7वें श्लोक तक इसका वर्णन भगवान इसमें करेंगे, 7वें श्लोक तक ये विस्तार करेंगे। ठीक है, तो इसको हम अभी आगे देखते हैं। ये भगवान अभी बोल रहे हैं कि मैं बताने वाला हूं, तो क्या बताने वाला हम देखते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं रब कर दूंगा। ठीक है, और आज जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मतलब आंख खुल जाएगा। ठीक है, ये भगवान ने वेदांत सूत्र को टच किया है और बहुत ही सुंदर चीज है। ठीक है, तो ये मैं अभी रब कर रहा हूं, अगर आपने लिख लिया हो तो। आज मैंने सोचा था कि बाहर क्लास लूंगा, लेकिन बाहर में भी बारिश हो रहा है, बहुत जोर से हो रहा है। तो और जो लाइटनिंग है वो एक हमारे किचन में गिर गया, तो हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिसमेंटल हो गया है। तो आपको आज डार्क क्लास लेना पड़ रहा है, उसमें डार्क टीचर है, उसका सिद्धांत दिखाई दे सकता है आपको, और ये चॉक व्हाइट है तो आपको दिखाई दे सकता है, उतने में हो जाएगा। तो 13.5 खोलिए, यहाँ लिखा है ऋषिर भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतुम अबद्धिर विनिश्चितै। विभिन्न वैदिक ग्रंथों के में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उनके कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इससे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा समझा होगा कई बार ना मेरे को एक बाबा जी मिले थे, मैं बहुत पहले ऐसे बता रहा हूँ ऑफ द वे। मैं एक जगह प्रीचिंग करता था कॉलेज में, AIT कॉलेज, आर्मी इंस्टीट्यूट आपका पुणे में है, तो वहाँ प्रीचिंग कर रहा था। तो वहाँ एक छोटा सेंटर में रहता था, एक छोटा रूम रेंट पे लेके, और कॉलेज में प्रीचिंग करता था। तो वहाँ जो मालिक थे, जो भी मालिक, कपड़ा पहनते थे। तो एक दिन मैं ऑफिस जाता था, शाम को आके प्रीचिंग करता था। तो मुझे बोले, सुबह सुबह मैं कभी कभी मंदिर जाता था आरती के लिए, तो बोले मुझे भी ले चलो, मुझे रास्ते में छोड़ देना। मैं बोला ठीक है, मैं ले चला। तो मैं बोला आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मुझे रास्ते में एक जगह प्रवचन देना है। तो मैंने बोला आप किस चीज़ पे प्रवचन करते हैं? तो बोले मेरा क्या है, 6 बजे संस्कार चैनल, 7 बजे आस्था, और ये सब मिक्स करके फिर मैं बोल देता हूँ तो ये जब 13वां अध्याय अगर ऐसा व्यक्ति कोई पढ़ेगा तो ऐसी कुछ नहीं समझेगा, वो कारण को कारण बोल देगा, कुछ भी मिक्स, मतलब आप किसी भी वर्ड का कुछ भी मीनिंग बोल के गीता को खपा सकते हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी ने इसको इतने अच्छे से लिखा, आचार्यों ने इतने अच्छे से समझाया है, इन तात्पर्यों को समझ के हमें समझना चाहिए, हमारा सौभाग्य है। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको श्लोक कहा उसमें
मेरे भी बहुत सारे भी नोट्स हैं, मेरे नोट्स हैं, फिर आचार्य के नोट्स हैं, इसमें से एक एक। तो वेदांत सूत्र का नाम लिया यहां पे भगवान ने। अभी हम इस श्लोक में ये वेदांत सूत्र का जो वेदांत सूत्र जो है ये जो चर्चा करते हैं, कैसे कार्य और कारण कर चर्चा करते हैं, कार्य और कारण, इसका चर्चा हम लोग करेंगे। ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस कॉज, कॉज एंड इफेक्ट, इसका हम लोग स्टडी करेंगे। और फिर सच जो पहले श्लोक में कहा गया है, तो ये पंचकोशों को आचार्यों ने बहुत अच्छे से यहां समझाया है तैतरेय उपनिषद से, ठीक है। तो वो जो पंचकोश हैं कि है क्या ये, ठीक है, तो ये पंचकोश को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज समझना उतना ही जरूरी है, क्योंकि वेदांत सूत्र मैंने आपको पहले बताया कि 555 श्लोक हैं, चार पद हैं, दो संबंध ज्ञान, एक अभिधेय, एक प्रयोजन, ऐसे चार पद हैं और उसमें अलग अलग श्लोक हैं। और उन श्लोकों के माध्यम से हम जो है अपना हम कौन है, यानी जीव कौन है, उसको कार्य और कारण से समझा। मैं कार्य कारण क्या ये भी समझाऊंगा आपको, कैसे समझा जाता है, हाउ टू अंडरस्टैंड वैदिक साइंस, ये उसमें दिया है। मॉडर्न साइंस में क्या है, आपको पहले ही बोल दिया, हाँ ये और ये एलिमेंट मिक्स हो गया, ये हो गया, वो और ये हो गया, आपको डायरेक्ट पढ़ाया गया है, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे सटल एलिमेंट्स का भी ज्ञान दिया गया है, ठीक है। सूक्ष्म साइंस का प्रॉब्लम क्या है, मैटर तक ही सीमित रहता है, मैटर में भी वो जैसे जो दिखता है या जो ऑब्जर्व कर सकता है उतना ही है। जैसे कोई बच्चा रोता है तो क्यों रो रहा है, तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन चेंज नहीं हुआ है, पहले कुछ उसके मन में गया है तब वो रोया है, फिर वो केमिकल रिएक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड और ये सब हो सकता है, ठीक है। तो वो केमिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिमिटेड हो जाता है, ये बियॉन्ड, ये एक अनेक लेवल बियॉन्ड लेके जाएगा, और ये तो इतना बियॉन्ड लेके जाएगा कि आप बिलीव नहीं कर सकते। जो टेलीपोर्टिंग का साइंस है ना, जो यहाँ खड़े होकर आप दूसरे जगह जा सकते हो, एक जीव साथ में एक्सपांड कर सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ हैं। तो इन दोनों को हम समझेंगे, तो आज का हमारा समय इसमें इसको समझने में जाएगा, और कल का समय हमारा इसमें जाएगा, ठीक है। फिर हम जो क्षेत्र का बात हुआ था पिछले श्लोक में, भगवान क्षेत्र का कंपोनेंट्स बताएंगे, तो वो अगले वर्स नंबर 6 और 7 में आएगा, ठीक है। ये वर्स नंबर ये 13.5 है, अभी हम 5वें श्लोक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको पूछता हूं और ये वाला कंसेप्ट मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कमेंट में लोग लिख रहे हैं कि मैं अंधेरे में भी अच्छा दिख रहा हूँ, वाह वाह। ये रिमार्क सिर्फ मेरी माँ देती थी, ठीक है। तो मैं बोर्ड का इतना ही पार्ट इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा उजाला है, यहाँ अंधेरा हो सकता है तो आपको शायद दिखे ना दिखे। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट, जिसको यहां पे कारण और कार्य, ठीक है। अब एक याद रखिए, ये क्यों स्टडी इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट को वाई वाई क्वेश्चन में लेके जाते हैं, वाई मैं यहां लिख देता हूं, वाई या क्यों, तो जो ही आप यहां लेके जाते हैं तो ये टॉपिक आ ही जाता है। जैसे मैंने बहुत बार देखा है ट्रेन में, मतलब कभी कभी हमारा अपर बर्थ रहता है, सोते रहता हूँ, नीचे लोग डिस्कस करते रहते हैं, ऐसे कैसे हो गया, ये कहां से आया, नहीं, फिर वो वहां से आया, क्यों, वाई वाई वाई, और बाद में वो जब सब फंस जाते तो बोलते, अरे भैया आइसक्रीम खा लो सो जाओ। तो वेदांत सूत्र जो है ये सारे डीप तक लेके जाके सारे आंसर्स कर देता है, और लास्ट में आपको पता चलेगा सारी चीजों का कारण कौन है, ठीक है। और वो जो इंट्रैक्शंस हो रहे हैं उसके कारणों का कारण कौन है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों का आंसर, ये कार्य और कारण है, और ये कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूं। तो एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड लिमिटेड है, तो मैं एक पॉइंट लिखूंगा फिर रब करूंगा, तो आप एक पॉइंट लिख के
रेडी रखें, ये नहीं कि मैं पूरा रब करने वाला हूँ, इधर एक चीज लिखूंगा रब करूंगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, करीबन 7 और 8, 8 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स, ठीक है? तो 8 पॉइंट अब लिखूंगा तो ओके, अब इसको बेसिक में समझते हैं। इसको पहले एक वर्स आपको बताता हूँ, जो ये वर्स आता है पराशर मुनि। पराशर मुनि जो हैं वो कहते हैं, उन्होंने विष्णु पुराण 2.13.69 उधर से रेफरेंस लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक देखिए, एक कारण में जाने से पहले, भगवान यहाँ पे बोलते हैं मत, ये ऋषि भी बहुधा, ये जो बहु ऋषि हैं, ऋषि मुनि जिन्होंने, मुनि यानी जिनका जो मनन करते हैं, इंटेलिजेंस, डाउट इज द फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, कोई आपसे सवाल पूछ रहा है ना, मतलब समझो उसका दिमाग चल रहा है, तो कह रहे हैं कि जो ऋषि मुनियों ने एनालिसिस किया है, तो वो एनालिसिस जो है वो ये चीज दर्शाता है। तो उन्होंने इसका लेक्चर नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में आता है जहां पे ये मेंशन है कि अर्जुन खुद बोलता है कि मैंने भी मेरे गुरुओं से ये पढ़ा है, जब गुरुकुल में थे तो ये सारा फिलॉसफी उन्होंने पढ़ा है। हमने भी गुरुकुल इसलिए खोला कि यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको 10 साल के अंदर फिलॉसफी, 21 भाषाएं, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, कॉस्मोलॉजी, CBSE सिलेबस, सब सब ऐसा पढ़ा दो कि वो बॉम्ब होना चाहिए, बॉम्ब। तो ये कह रहे हैं, ये जो इसका जो पूरा चर्चा है वो उसका सार वेदांत सूत्र में दिया है, तो इसलिए यहाँ पे अभी हम पराशर मुनि को देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं। पराशर मुनि कहते हैं, विष्णु पुराण का रेफरेंस लेते हुए, अहम त्वां च तथान्ये भूतैर उह्याम पार्थिव गुण प्रवाह पतितो भूतवर्गो अपि याति अयम। इसका छोटा सा पार्ट प्रभुपाद जी भी अपने परपोट में कोट करते हैं, लेकिन इसका मेन वर्स ये है, कर्मवश्य गुणा ही एते सत्वाद सत्वाद्य पृथ्वी पते अविद्या संचितम कर्म तच्चाशेषु जंतुषु आत्मशुद्धो अक्षर संतो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रवृद्धि अपच्चायौ नाश्य एकस्याखिल जुन्तशु। यू मतलब यहाँ पे वो जो बोलने वाला है वो राजा को बोल रहा है, भगवान यहाँ बोल नहीं रहे, वो शुक टॉक जो है मेरे हिसाब से दो ऋषियों के बीच चल रहा है। यू एंड आई एंड अदर्स मतलब सारे लिविंग एंटिटीज आर कॉज्ड बाय द एलिमेंट्स। कॉज की बात हो रहा है ना, तो वो कहां से आ रहे हैं, ये यू एंड आई आर कॉज्ड बाय एलिमेंट्स। हम लोग किससे बने हैं, एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स साइंस वाले एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, साइंस उसको अलग से तोड़ दिया है, हमारा एलिमेंट है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ठीक है, उसके अंदर बहुत डिविजन्स है, वो अलग चीज है। ओ किंग, ऑल लिविंग एंटिटीज फॉल इन द फ्लो ऑफ मटीरियल गुणस। जो मटीरियल गुण है, मैंने कल भी आपको बताया, प्रकृति 3 गुणों से बना है, प्रकृति जो है ये 3 गुणों से बना हुआ है, और ये 3 गुणों के माध्यम से सब काम करती है। तो जब हम कॉस्मोलॉजी देखेंगे तो पहले ही हम देखेंगे क्रिएशन, तो क्रिएशन में जो प्राइमरी क्रिएशन और सेकेंडरी क्रिएशन है उसमें ये 3 गुण क्या करते हैं, किस रूप से काम करते हैं, तब हम देखेंगे। अभी इतना समझिए कि जो जीव है, लिविंग एंटिटी है या जीव है, वो इन एलिमेंट से के कारण ऑपरेट हो रहा है और वो यहां से आ रहा है। प्रोसीड थ्रू बर्थ एंड डेथ, इसलिए यहां उसको जन्म मृत्यु दिखाई देता है। दे एज्यूम द गुणस बाय कर्मा, ये जो गुण उसको आते भी हैं, अभी एक लेप है गुण का, 2 गुण है, एक आत्मा का गुण है, जैसे मैंने आपको धर्म चैप्टर में बताया ना कि इसका एक धर्म है और इसका एक धर्म है, तो ये अलग हो गया, इसका गुण और स्वभाव अलग हो गया, इसका जो ये गुण है ये कहां से आता है, ये यहां से आता है। और एक्यूमुलेटेड बाय कर्मा, जैसे आपका कर्म है वैसे, कल भी मुझे किसी ने पिंग करके पूछा कि प्रभु जी जो अंधा बच्चा घर पे पैदा होता है तो पाप किसका है, माँ बाप का है कि बेटे का है, तो हम बोले उस लड़के का है, उसके पिछले जन्म का है। तो बोलते हैं फिर वो माँ बाप को जो दुख हो रहा है वो तो वो भी उनके भी पीछे जन्म का है, उनका अलग है इसका अलग है, लेकिन वो कर्म से वो चीज आता है। एंड कर्मा इज एक्यूमुलेटेड थ्रू इग्नोरेंस इन ऑल अनलिमिटेड एंटिटीज। ये जो अपने आप को अहंकार से ये शरीर मानना, ये जो अज्ञान है इसके वजह से इसको ये भोगना पड़ता है। द प्योर आत्मा इज इंडिस्ट्रक्टिबल पीसफुल विदाउट दोज गुणास। ये आत्मा तो शुद्ध है, इसलिए आत्मा हमेशा शुद्ध होता है। कई बार कोई ब्राह्मण घर में जन्म ले लेता है, उसको लगता है मैं शुद्ध हूं। कई बार कोई उच्च कुल में जन्म ले लेता है, उसको लगता है मैं पवित्र हूं। कई बार कोई पाप छोड़ के साधुओं के संग में चला, उसको लगता है मैं शुद्ध हूं। तो ये आपको ये वाला एंगल से शुद्ध बनने का जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी शुद्ध है, जीव जो है वो ऑलरेडी पवित्र है,
वो तो इसके संगत में आके वो अपवित्र हो जाता है। जैसे पानी का बूंद है ना, बारिश का, वो आता है तो पवित्र होता है, लेकिन नीचे जो ही वो मट्टी में गिर जाता है तो उसमें मिक्सचर आ जाता है, तो गदुड़, गदुड़ यानी मराठी में बोलते हैं गदुड़, गदुड़ यानी मिक्स्ड वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर हो जाता है। फिर उसको फिल्टर में डालिए, मट्टी हटाइए और पानी निकालिए, ऐसा है। इट हैज नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इन ऑल बॉडी इट एज्यूम्स, यानी जितने भी शरीर वो लेगा, एक लिया, दूसरा लिया, तीसरा लेगा, ये जो भी यहां से आने वाला है, इसको कुछ ना बड़ा होने वाला है, छोटा लिया, इसी रहने वाला है, ठीक है, ये फर्क नहीं, ये नॉन चेंजेबल है। तो ये उन्होंने इधर बताया है, ठीक है। और अब मैं आपको थोड़ा सा बाकी ऋषि जो हैं, ये बहुत सारे चीजें अभी पंचकोश में बताऊंगा मैं उनको, वो पंचकोश के बारे में क्या कहते हैं। अब ये कुछ चीज आपको कॉज और इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि कॉज और इफेक्ट होता क्या है। कोई भी साइंस को खोलना है तो कॉज और इफेक्ट आप समझ सकते हैं। तो मैं इसको पूछ रहा हूं, कार्य और कारण, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं। ठीक है, तो कॉज और इफेक्ट का जो पहला पॉइंट है कि ये ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसको अगर आप मटेरियल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं, मैं आपको कुछ इसमें से अभी नॉलेज दूंगा, वो मटेरियल लाइफ में भी अप्लाई होगा, और कुछ कुछ जो है वो आपको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आएगा, तो मिक्स है। वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग फिर वो सिर्फ स्पिरिचुअल सुनते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि इसको मटेरियल कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। नहीं तो आप इफेक्ट में रह जाएंगे और कॉज के पास नहीं जाएंगे। तो जो आदमी कॉज पे काम करता है ना, वही आत्मा तक पहुंचता है, आत्मा के लेवल पे। बोलते हैं ना, वन शुड लिव वन लाइफ एट द लेवल ऑफ सोल, है ना, एट द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल। तो कई लोग बोलते हैं प्रोजी प्लेटफॉर्म ऑफ सोल क्या होता है? तो अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं उससे आपको वो लेवल अचीव करना आसान होगा। पहला ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, और इनफैक्ट जो मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं बड़े बड़े लोग, उनको ये समझ गया ना तो ये तो इस एक एक पॉइंट पे कितना सेमिनार्स दे देंगे। एक बार मेरे को किसी बंद कॉरपोरेट ने बुलाया था, मैं सेमिनार दे रहा था, चार पांच लोग लाइन में पहले बैठे थे, आगे सिर्फ लिखे जा रहे हैं। मैं बोला अरे इतना सिंसियर। बाद में जब ब्रेकफास्ट का टाइम आया तो स्नैक्स का टाइम आया तो बोल रहे थे कि सर, मैं बोला अरे इतना कैसे लिखते हो, इतना तो मेरे स्टूडेंट्स भी नहीं लिखते मेरे पॉइंट्स। तो बोलते नहीं सर, हमारे लिए सब नया है, एक एक पॉइंट को हम एलोबरेट कर देंगे, बाद में हमको भी तो आगे जाके सेमिनार देना पड़ता है। तो मैं समझा, तो ये आपको बहुत काम आएगा। तो पहला है, वो कह रहे हैं कि कॉज टेक्स ओवर इफेक्ट एज टाइम प्रोसीड्स। कॉज यानी इफेक्ट, यानी जो आपको दिखता है उसका कोई कारण होता है। जैसे पेड़ में आम आ रहे हैं तो कारण क्या है कि वो पेड़ आम का है, तो इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। अब इसका एक आउटपुट क्या है कि कॉज जो है विल अल्टीमेटली टेक 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 ओवर इफेक्ट। कॉज विल, मैं थोड़ा इंग्लिश और हिंदी मिक्स कर रहा हूं क्योंकि इसका प्रॉब्लम है कि इसको हिंदी में डालते ही मैं थोड़ा खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूं। कॉज विल टेक ओवर इफेक्ट एज टाइम प्रोसीड्स, जैसे टाइम आगे जाएगा कॉज जो है वो इफेक्ट को ओवर इफेक्ट को ओवरटेक करेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई आपको घर पे खाना खाने के लिए बुला रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं, कोई आपको खाना खाने के लिए घर पे बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, कोई कारण है, देयर इज सम कॉज। मैं यहां कार्य कारण भी लिख देता हूं, कारण, क्योंकि क्या है जो हिंदी लोग हैं उनको कभी कभी टप जाता है, ठीक है। अभी कार्य क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, खाना खाने के लिए बुलाया है, कारण भी होगा, या तो दोस्ती निभाने के लिए, या कभी आपने उसको बुलाया तो एक कि भैया किसी का ज्यादा नहीं खाना चाहिए उसको भी बुला लो, एक बार दे दो, खाली हो जाए, मन हल्का हो जाए। तो इसलिए बुला सकते हैं, या आपको कोई रेस्टोरेंट में बुला सकता है, प्लीज कम, कारण होगा उसके पीछे, होगा उसको पैसा कमाना है, भैया क्लाइंट कस्टमर नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा। तो जो रेस्टोरेंट में कितना भी लोग मीठा बोलते हैं तो अंत में उनके कॉज जो है वो कुछ ना कुछ पैसा होता है। या आपको के खाने पे बुला रहा है, जैसे किसी बड़े बड़े लोगों को लोग जहर खिला देते हैं तो हो सकता है आपको मारना चाहे, हो सकता है वो आपको अमृत देना चाहे, जैसे यमुनाचार्य को उनके नाना जी ने जो शिष्य भेजा था उसने तुड़ उलाई खिला के सत्वगुण, रजोगुण से सत्वगुण पे लाके उन्हें पुनः आचार्य बना दिया, धार्मिक मार्ग पे लाया। तो
कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होगा वो कॉज बाहर आएगा। जैसे आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, आप खाइए, बोलेगा एसी लीजिए सर, हवा खाइए सर, एनीथिंग मोर सर, आई लव यू सर, यू आर वेरी नाइस सर, गुड ड्रेस सर, मैम यू लुक वेरी नाइस, यू आर सो क्यूट, ओ सो नाइस किड्स, ये वो फलाना फलाना फलाना, सब है इफेक्ट। लास्ट में कॉज बाहर आएगा, बिल, योर बिल मैम। या अगर आपने खाया है, वो अमृत दे रहा है तो अमृत लग जाएगा, वो जहर दे रहा है तो जहर लग जाएगा। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। या जैसे और एक आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे आपको कोई जॉब पे रख रहा है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को एक आदत होता है उसको रिलीजियस बनाने का, ओ पेड़ा वेड़ा बांट देते नौकरी। अरे भैया वो एक इफेक्ट है, उसका कारण है, उसे तुम्हारे जैसों की जरूरत है, सस्ते में काम करने वालों की जरूरत है। उसको यहां से, जब मैं ओरेकल में था तो मुझे मालूम है, वो ऑन डिमांड टीम होता था कि इम्प्लीमेंटेशन टीम होता था। तो इम्प्लीमेंटेशन टीम जो था वो, मतलब वो, हमारा तो हालत खराब हो जाता था कि अब इम्प्लीमेंट करना है, काम करना है दिन रात। तो इम्प्लीमेंटेशन से भी ज्यादा ऑन डिमांड टीम का रेट होता था, 30,000 रुपीज पर आवर। अब उस व्यक्ति का सैलरी जो काम कर रहा है कंपनी को मिलता था क्लाइंट से 30,000 पर आवर, और बिलिंग होता था 24 आवर्स का, और इससे इसको मिलता था 1 लाख रुपए या 80,000, जो भी नो डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर। क्या 2 लाख भी मिलता तो क्या मिलता है महीने का? कुछ नहीं, 6 घंटे 7 घंटे का पैसा, 1 दिन का पैसा और 30 दिन का काम करवा लिया। तो तब उसको समझता, अरे माई तो लुट गया, लुट गए, हाँ लुट गए। फिर वो क्या करता है, यहां से वो खुद की अपनी कंपनी खोलता है 4 लोग मिला के। ठीक है, अब यहाँ बैठ सकते हैं। तो वो अपनी कंपनी को वो करके वो खुद ही समझ, जब कारण समझ जाता है तो वो इफेक्ट से हट जाता है। तो इसलिए आपको, अगर आप किसी इफेक्ट में हैं, तो टाइम इज द बेस्ट सॉल्यूशन। कभी कभी देखिए ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आते हैं लाइफ में, जब कभी कभी अपमान होता है, या यू नो डिप्रेस्ड फील होता है, या मतलब आपको लगता है कि बस हो गया, आप थक गए, तब एक काम करना है, जस्ट कंटिन्यू। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारः से, तू तेरा काम कर रहा है, तू कुछ चिंता कर रहा है, तो जैसे टाइम बढ़ेगा असली कॉज बाहर आएगा। हाँ, एक बार एक, जो भी हम एक जगह प्रीचिंग कर रहे थे, किसी ने थोड़ा मस्ती किया था, तो सब एकदम ड्यूटी गुस्सा हो गए, बोला किसने किया किसने किया, बोला कुछ मत करो और थोड़े दिन प्रीचिंग करो, खुद ही उसका जो एनवी बाहर आएगा। और बाद में थोड़े दिन में देखा तो खुद ही जाके जो है वो समझ में आ गया सबको कि इसने किया था। तो टाइम वो एक चीज है जो सारा जहर उतार देती है, अच्छाई भी बाहर लाती है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि घर में माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, इन बच्चे जो है, आई डोंट केयर, हु केयर फॉर यू मॉम, गेट आउट, गेट लॉस्ट। हाँ, जब कभी शादी होता है तो पहले तो पत्नी तो बोलती है कि तुम्हारी माँ जो है मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, तो वो माँ को रख देता है ओल्ड एज होम में, ओल्ड एज होम में रख देता है, माँ तो कुछ बोलती नहीं, हो तो जानती कि मेरा कोई नहीं, तो यही है अभी रहो, वो बाकी बूढ़ों लोगों के साथ रहो और लाफिंग क्लब में हा हा हंसो, और क्या कर सकते जब बेटा ही ऐसा निकम्मा निकला है। तो बाद में क्या होता है, धीरे 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 उसको पता चलता है पत्नी तो बहुत ही ज्यादा डिमांड कर रही है, इतना कर रही है कि मतलब इतना तो मेरी माँ मेरे को, इतना मेरे को प्यार से खिलाती थी, मैं बीमार होता तो भाग के आती थी, बोलता है अरे यार गेट माई मदर बैक। उसको कॉज समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों बोला था वो व्यक्ति। तो ये कॉज जो है वो अल्टीमेटली इफेक्ट को टेक ओवर करेगा, लेकिन एक याद रखना, ये कॉज इटसेल्फ इज ऑल्सो एन इफेक्ट। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आएगा, 2 तो आप यहां लिखी देख ही सकते हैं। वो कह रहे हैं, अच्छा तो उसमें मैं आऊंगा, ये दूसरा पॉइंट है कि एक्टिंग फॉर कॉज। हमारे पास टाइम कम है एक्चुअली, अगर आज ये 8 पॉइंट कंप्लीट नहीं हो तो मैं कल से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो कंटिन्यू, क्योंकि आज हमको 11 बजे सेशन डॉट खत्म करना पड़ेगा, 11 को 2 मिनट थे, क्योंकि केशवानंद प्रभु को टेडेक्स पे सेमिनार देना है, और अगर मैं यहाँ बोलूंगा या कीर्तन करूंगा तो मेरा आवाज उनको डिस्टर्ब कर सकता है, तो हम लोग 11 को 2 मिनट्स कम रहेंगे, तो हम लोग समाप्त करेंगे। तो ये है, एक्टिंग फॉर कॉज इज ग्रेटर देन क्रिएटिंग इफेक्ट। ठीक है, एक्चुअली मैं पूरा मनन करके इसको लिखा हूं। ठीक है, तो एक्टिंग फॉर कॉज इज ग्रेटर देन क्रिएटिंग इफेक्ट। जैसे मैंने आपको इधर भी मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे आप आजकल मॉडर्न एजुकेशन देखते हैं तो टीचर जो है वो सिलेबस खत्म करने में इंटरेस्टेड रहता है, वो बच्चे को समझा नहीं समझा उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सिलेबस खत्म करना
ये स्कूल का कॉज है और टीचर का वो इफेक्ट जो है वो बच्चों के लिए इफेक्ट है। हाँ, मेरा सिलेबस खत्म हो गया अभी, फिनिश, बच्चों को समझा क्या? नथिंग। लेकिन असली एजुकेशन क्या है कि उस बच्चे को वो समझना चाहिए, चाहे वो 2 दिन में समझे, 4 दिन में समझे, एक्चुअल दैट इज एजुकेशन। तो अल्टीमेटली क्या है, वो इफेक्ट क्रिएट कर दिया आपने लेकिन कॉज नहीं दिया। इसलिए आजकल के बच्चे जो हैं, हमने देखे स्कूल में सब्जेक्ट होते हैं मॉरल वैल्यूज, सोशल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज, करिकुलर एक्टिविटीज, योगा। तो योगा करते करते इधर उधर लड़का लड़की एक दूसरे को देखते रहते हैं, तो वो इफेक्ट है। लेकिन अगर आप कॉज पे काम करते हो, दैट इज मोर पावरफुल एंड मोर आउटपुट ओरिएंटेड, वो ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, जैसे मैं बहुत पहले भी 2013-14 में मैंने बहुत एक सेमिनार दिया था, उसमें मैंने बहुत कुछ वर्णाश्रम की ओर बोला था। तो किसी एक ने मुझे बोला कि प्रभु इतना बोलने से अच्छा कि हम लोग एक कर देते, आप एक कर दीजिए कुछ। एक स्कूल में गया था मैं एज अ चीफ गेस्ट, जन्माष्टमी था, तो उधर वो बच्चे लोग डांस ड्रामा वगैरह करते हैं स्कूल के, तो प्रिंसिपल मैडम ने बोला कि आप आइए। तो मैं गया तो बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा किया, मेरे को भी अच्छा लगा। तो मैडम मुझे पूछ रहे थे कि सर आप ऐसा क्यों नहीं खोलते एक स्कूल जिसमें ऐसे बच्चे पढ़ सकें, ये वाला चीज़ भी पढ़ सकें अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल स्कूलिंग। हम लोग नहीं कर सकते, वी आर बाउंड टू गवर्नमेंट लॉज, आप जैसे साधु लोग ये कर सकते हैं। तो मैंने सोचा यार ये बात सही है। तो नाउ व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द कॉज, वी आर गेटिंग बेटर इफेक्ट्स, और हम इफेक्ट से फंसे हुए नहीं है, हम कॉज पे काम कर रहे हैं। तो जिस दिन सरकार कॉज पे काम करेगी ना, उस दिन उसे अच्छा आउटपुट आएगा। भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे, क्यों? वो कॉज पे काम करता था। भारत एक सोच है, ये नहीं कि साड़ी, मतलब कोई जैसे महिला लोग साड़ी पहन लेती है तो जो भारत में रहती है वो भारतीय, ऐसा नहीं है। आप रशिया में जाइए, वो लोग भी साड़ी पहनती है, सिंदूर लगाती है, वैदिक प्रथा को फॉलो करती है, तो वो भी भारतीय हो गया। भारत एक सोच है, एक वैदिक सोच है। और कोई इंडिया में रहते हुए भी जीन्स टी शर्ट है, फटा हुआ कपड़ा पहन रहा है, यू नो, यो कर रहा है, तो यो यो है मतलब वो यहाँ का है नहीं, वो रह रहा है यहाँ पे लेकिन यहाँ का है नहीं। तो इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। तो अगर आप कॉज पे काम करते हैं तो आपका इफेक्ट अपने आप आएगा। तो उसके बाद दूसरा है, एक आपने मूवी देखा होगा मैट्रिक्स मूवी, अगर आपने देखा है तो, जो ब्लू पिल और रेड पिल देता है, यू नो, वो वर्चुअल वर्ल्ड में जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो ठीक है, इस एग्जांपल को आप हटा सकते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए, मैट्रिक्स मूवी में आपने देखा कि वो जो लीडर होता है वो अपने चेले को वर्चुअल वर्ल्ड में लेके जाता है, और उसको कीनू रिव्स होता है उसमें जो स्टूडेंट होता है, उसको वो कुंफू सिखाता है। बोले ये सीखो क्योंकि यहाँ के लोग इसी से फाइट करते हैं इस वर्चुअल वर्ल्ड में। वो सारा सीखता है, सारे स्टेप सिखा देता है, टीचर उसको सारे स्टेप सिखा देता है और बोलते ओके नाउ यू फाइट विथ मी, मुझे डिफीट करो। तो बहुत वो ट्राई करता है डिफीट करने का, लेकिन वो अपने टीचर को डिफीट नहीं कर पाता है। तो एक स्टेटमेंट बोलता है, मार्क दिस, वो बोलता है यू नो व्हाई यू आर नॉट एबल टू डिफीट मी? बोले नो, बोले बिकॉज यू हैव नॉट डिसाइडेड टू डिफीट मी। तुमने अभी तक कॉज पे काम नहीं किया, तुम इफेक्ट में जा रहे हो, ओ लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग बिलो, केक्स। जिस दिन तुम इस पे काम करोगे तब तुम हरा पाओगे, तब वो हरा पाता है। तो अगर आपको कुछ भी अचीव करना है ना, तो आपको कॉज पे काम करना होगा, यू टू वर्क ऑन कॉज। ठीक है, तो अभी ये 2 पॉइंट्स मैंने आज लिए हैं, और अभी एलोबरेट भी करूंगा तो अपना टाइम हो गया है, वी आर है अपने पास अभी वैसे 5 मिनट है और। तो ये जो कॉज है, क्योंकि कल मैं आपको बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बताऊंगा इसके, कॉज और इफेक्ट के, मैथमेटिक्स से आपको प्रूव कर दूंगा कॉज और इफेक्ट क्या है, हाउ जीवा इज इन दिस वर्ल्ड स्टक, और कैसे एब्सोल्यूट के पास जाएगा, एक मैथमेटिकल इक्वेशन से बताऊंगा। तो ये कॉज है, वो जब तक हम हमारे कॉज पे काम नहीं करेंगे, जैसे आप कोई चीज कर रहे हैं, कई बार लोग नौकरी करते हैं, पैसा दे दो भैया पैसा दे दो, तो नौकरी ऐसा रहता है कि उसका मन जो है वो मन लगता नहीं, और कैसे तैसे पैसे कमा के जी रहा है, फिर डिप्रेशन में जाता है। उससे अच्छा है कि आप ऐसा कोई काम करो जो आपको पसंद है, और थोड़ा पैसा है तो भी चलेगा, 2 रोटी तो मिल ही जाएगा, मन की शांति होगी। एक स्टूडेंट है मेरा, कराड़ में रहता है, बहुत अच्छा लड़का है, उसका पेंटिंग इतना सुंदर है, अभी उसने श्रीनिवास कल्याणम का पेंटिंग किया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो एक टाइम था जब उसको मतलब यू नो फैमिली इश्यूज थे, और लेकिन वो अपने कॉज को नहीं छोड़ा, बोला नहीं मैं कुछ भी हो जाना प्रभु तो मैं बाकी काम नहीं करूंगा, आई विल गो इन पेंटिंग, मेरा हार्ट यहाँ है। एंड नाउ उसको इतने ऑर्डर आते हैं, इतनी जगह लोग बुलाते हैं, इतने लोग सीखने के लिए बुलाते हैं, यू नो। सो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन कॉज, धीरे धीरे आपको इफेक्ट भी आपके हिसाब से होगा।
लेकिन आप इफेक्ट पे जियोगे तो कॉज, आपको कॉज पे हैप्पीनेस नहीं आएगा। जैसे आप दुनिया को दिखाने के लिए अच्छे कपड़े पहन रहे हो या उनकी तरह यू नो जैसे वो जी रहे वैसे आप जी रहे हो, और आप सच्चाई नहीं जानते, आप कारण नहीं खोज रहे हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, तो आप एक गुलाम हो, यू आर वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अभी और एक पॉइंट लेता हूं मैं, थर्ड पॉइंट, ये दिखेगा नहीं दिखेगा मैं नहीं जानता, यहां लिख देता हूं तो आपको दिखेगा। एवरी कॉज इज इफेक्ट, एवरी कॉज इज इफेक्ट, ठीक है, लंबा नहीं लिखूंगा। हर कारण जो है इफेक्ट, कार्य जो है उसका एक कारण है, वो कारण भी तो एक इफेक्ट है, उसके पीछे एक कारण होगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि कोई पढ़ने के लिए आ रहा है या खाने के लिए आपने बुलाया है, तो खाने का बुलाना उसका एक कारण है कि उसको पैसा चाहिए, तो पैसा क्यों चाहिए आपसे वो भी तो एक कारण होगा कि आपका हम्बल स्वभाव है, आपका दानी स्वभाव है। हाँ, तो ये फिर वो पीछे जाना पड़ेगा। तो एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज एंड एवरी कॉज इज ऑल्सो एन इफेक्ट, मतलब ये इसके पीछे भी एक कारण होगा। तो कॉज का एक कॉज हो गया तो इफेक्ट इधर शिफ्ट हो गया, अब कॉज इफेक्ट हो गया और उसका जो कॉज है नया पैदा हो गया। तो इसलिए सर्व कारण कारणम, कॉज का जो कॉज है वो कोई और है। तो अभी हमने तीन पॉइंट्स देखे हैं, आज थोड़ा रिवाइज कर देता हूं कि अल्टीमेटली कॉज जो है या कारण जो है वो कार्य को काल के हिसाब से आगे जाते ही वो बाहर लाएगा। आप शरीर है कि आत्मा है, अभी मटेरियल एग्जांपल मैं आपको स्पिरिचुअल देता हूं। आप अगर आत्मा है और आप शरीर के हिसाब से जी रहे हैं, अपने शरीर को सजा रहे, तो मृत्यु के समय आपको पता चलेगा यार ये तो कोई काम का ही नहीं था, जिंदगी बीत गई इसको सजाने में, ओ माय गॉड, लेकिन टाइम खत्म, नया शरीर मिलेगा क्योंकि तुम तो मुक्ति पाए नहीं। एक्टिंग फॉर कॉज, अगर आप आत्मा के स्तर पे कार्य करते हो तो आपको ये शरीर को सजाने का जो शरीर के स्तर पे जीते उसमें आनंद नहीं है, लेकिन आत्मा के स्तर पे जियोगे तो शरीर का भी आनंद आएगा, आत्मा का भी आएगा। और अगर आपके पास आप आत्मा है और आत्मा है तो आत्मा भी तो कहीं से आया होगा, उसका भी तो स्वरूप होगा, तो वो कारण को खोजिए। तो ठीक है, ये तीनों को हमने मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों एंगल से देखा है। अभी और पांच पॉइंट है तो कल वो पांच पॉइंट पढ़ेंगे, उसके अलावा कल पंचकोश भी पढ़ना है, पंचकोश बड़ा डायग्राम है, तो कल मिलेंगे। आज थोड़ा सा आज हम कीर्तन नहीं कर पाएंगे, इसका कारण है कि आज हमारा अगला एक टेडेक्स पे प्रभु जी का सेशन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।